दिल्ली से आना जाना बहुत मुश्किल है सर। आप हम अपना वकील, लिवलीहुड अर्न करें, अब आप वकील कर लीजिए ना यहाँ पर। यहाँ पे हम 5 वकील सर चेंज कर चुके हैं, पर उसमें कोई हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला सर। जब भी तो 23 साल लग गए सर, 16-17 साल तो ट्रायल में लग गए सर, 7 साल से हमारी अपील पेंडिंग पड़ी है सर। आई माइसेल्फ सर दिनेश चोपड़ा अपीयर इन पर्सन एज इन्वेंटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप यू आर फ्री टू अपियर इन पर्सन। आई फाइल्ड वन नहीं रिव्यू हुआ ना ये जो कंसीलिएशन वगैरह किया था, कोई बात अभी जमी नहीं? नहीं सर। ठीक है, चलिए मेरिट्स पर बताइए। आई फाइल्ड वन रिव्यू अपीयर एप्लीकेशन अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 16/11/2022 सर। हाँ देखिए 16/11/22 का ऑर्डर देखिए। जी, इट्स एग्जीट इन एनेक्सर ए पेज नंबर 51 एंड 52। एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। आप किसके लिए तिवारी जी आई एम फॉर द अपीलेंट, हैं? अपीलेंट के लिए आप किसके लिए हैं? इंटरवेनर है। इंटरवीनर है। और आप इधर आइए। अच्छा, आप तो चंडीगढ़ वाले साहब हैं शायद, जो बाहर चले नहीं, गए थे। हम हाँ, दिल्ली जाते हैं सर। वही दिल्ली हाँ चंडीगढ़ जी वाले सर। जी। मुझे आपका ये कहना था कि आपके पिताजी की संपत्ति है, उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम से खरीद ली, नहीं सर, समथिंग लाइक दैट। हमारा ये कहना था कि सर ये कोर्ट कंप्रोमाइज डिग्री के थ्रू प्रॉपर्टी परचेज करी गई है और इनके फादर को एज ए लसेंसी रहने के लिए दी गई थी अच्छा, फॉर द लाइफ टाइम। उनकी डेथ 2000 में हो गई, उसके बाद इनका ये ट्री पास रहे थे इलीगल, आपको पैर रह रहे हैं ये सेट प्रॉपर्टी में, और इन्होंने इतनी मैनिपुलेशन करी है। और मोस्टली पेपर इसमें संडे डेट के, हम शुरू से ट्रायल कोर्ट में बता रहे हैं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। फ्रॉम द लास्ट 23 ईयर वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट विदाउट एनी सुनेंगे रीजन एंड विदाउट एनी फॉल्ट सर। नो सिंगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट दे हैव। देयर क्लेम ओनली ओरल कॉन्सेंट्स, नथिंग मोर सर, एंड फादर विल। एक काम करते हैं, इनका इंटरवेंशन अलाउ करते हैं और फर्स्ट अपील के आउटकम के बाद में इसको सुनेंगे। पिटीशन को लिखिएगा श्री अनुराग माय सबमिशन तिवारी तो जी। माय नॉट माय आइडेंटिकल सर। हाँ बताइए ना। दिस सूट इज राइजिंग, दिस अपील इज राइजिंग आउट ऑफ जजमेंट एंड डिक्री इन एविक्शन सूट हाँ एंड दिस सूट ऑफ द दिस इंटरवेंशन इंटरव्यूअर हैज बीन डिसमिस्ड बाय द रेलवे ट्रायल बोर्ड एंड उसकी फर्स्ट अपील है ना, तो फर्स्ट सर अपील को हमारा एक्सपेडाइट एमए, कर। हमारा एमए लटक जाएगा सर। कैसे लटक जाएगा आपका एमए? ये एमए मेरा निवेदन ये है, फर्स्ट अपील को सुनने पर डिसाइड करना पहले। फर्स्ट अपील तो जिसको ज्यूरिसडिक्शन है वो सुनेगा, उसको सुनवा देते हैं, बोल देते हैं फर्स्ट अपील सुन के डिसाइड करिए। तो इसमें ट्रायल कोर्ट ने सर सारा फाइंडिंग हमारे फेवर में दिया, हमारे फादर के लिए प्रूव करा उनको ओनर सर। वो वी आर नॉट गोइंग इनटू मैरिट्स राइट नाउ। टाइटल, ओके सर। टाइटल तो इनकी नहीं मानी गई, कोर्ट ने माना नहीं, वो तो फर्स्ट अपील में है जो वही वो तो हमारा है, केस टोटली इन्होंने कन्वर्ट इसके कर दिया सर। एविक्शन सूट पे यू क्यों आर फर्स्ट क्लेमिंग अपील डिसाइड ओनर कर रही है? सर इसमें बीच का रास्ता ऐसे निकलेगा नहीं तो पड़ा ही रहेगा मामला। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, फर्स्ट अपील ये सर डिसाइड। दोनों वकील सेम थे उस टाइम, और अनुराग तिवारी जी ने ये 2009 का ऑर्डर पास कराया है, उसमें आप सिर्फ इनकी फाइंडिंग देख लीजिए देखिए ट्रायल जब कोर्ट। तक फर्स्ट अपील डिसाइड नहीं नहीं, होगी, फर्स्ट अपील के नहीं, मैं इनकी एमए वाली बात कर रहा हूँ सर। फर्स्ट फर्स्ट अपील तो अपील भी डिसाइड कल कर रहे हैं, जब सुबह तक है। इसको पेंडिंग रख रहे हैं ना, इसमें कुछ हाँ, निर्णय नहीं कर रहे। पर सर एक साल देखिए तो इसमें लग गया, 16/11 को आपने ऑर्डर पास करा, उसके बाद हमने रिव्यू लगाई, अब एक साल के बाद फिर हम 3 जजों के पास से घूम के फिर अब यहाँ आए सर। दिल्ली से आना जाना बहुत मुश्किल है सर। आप हम वकील, अपना लिवलीहुड अर्न करें, अब आप वकील कर लीजिए ना यहाँ पर। यहाँ पे हम 5 वकील सर चेंज कर चुके हैं, पर उसमें कोई हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला सर। जब भी तो 23 साल लग गए सर, 16-17 साल तो ट्रायल में लग गए सर, 7 साल से हमारी अपील पेंडिंग पड़ी है सर, और बिल्कुल हमारा टाइटल क्रिस्टल क्लियर है सर, और इनको ये स्टॉपर लग गया जबकि इन्होंने फर्स्ट अपील मैं नहीं सुनूंगा, मेरा आप ज्यूरिसडिक्शन नहीं एमए है। सुन लीजिए सर, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर। एमए जब तक फर्स्ट अपील का डिसीजन नहीं होगा तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं एमए में। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं हम। देख लीजिए सर, आप जैसे ठीक समझते हैं, मेरे को तो रिक्वेस्ट श्री करनी थी अनुराग आपके, तिवारी लर्नेड काउंसिल फॉर दी अपीलेंट श्री और वो कह रहे हैं हमें होल्ड आर पी करेंगे। खरे फॉर दी रिस्पोंडेंट्स श्री। दिनेश आपका शुभ नाम बताइए प्लीज। चोपड़ा एंड राकेश चोपड़ा श्री बोथ आर दिनेश रियल वाले। चोपड़ा एंड राकेश चोपड़ा प्रपोज्ड इंटरवीनर्स आर प्रेजेंट इन पर्सन। नेक्स्ट पैरा, श्री दिनेश चोपड़ा एंड राकेश चोपड़ा सबमिट्स दैट आउटकम ऑफ दिस अपील विल बी डिपेंडेंट ऑन द
आउटकम ऑफ द फर्स्ट अपील 371/2017 फुल स्टॉप लिस्ट रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू लिस्ट एफ ए 371/2017 बिफोर एप्रोप्रिएट बेंच फॉर डिसीजन ऑन मेरिट्स एंड सेट बेंच बी रिक्वेस्टेड टू डिसाइड द अपील विद इन ऑन इट्स ओन मेरिट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच फर्स्ट अपील and thereafter list this MA for decision on merits. List this MA in the week commencing January 2023. 24